नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल यू सी मी मुकुंद व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बटनेर दुर्ग पर पहुंच चुके हैं और ये हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है। और आप हमारे पीछे ये दुर्ग देख सकते हैं। ये दुर्ग 1700 साल पुराना है और आज हम इसका भ्रमण करेंगे और आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो आइए हम चल कर देखते हैं ये दुर्ग कैसा है। ये जो दुर्ग है वो 1700 साल पुराना है। आप इसके दीवार और इसके गेटों को देख सकते हैं, इस पर कैसे किलियां लगाई गई है। ये जो किलियां हैं, ये जब 1700 साल पुराना है, जब ये किला है, तो इसमें जब भी हाथी आते थे युद्ध के समय, तो उनकी आंखों में ये किले चुभ जाते थे। आप इनके कई किले देख सकते हैं, किले जो इसके दरबार की तरफ झुके हुए हैं और ये टूटे हुए हैं। ठीक है, तो आइए आपको कुछ और दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये किले का जब निर्माण हुआ था, उसके गेट जब बनाए गए थे, उसके बारे में ये पूरा लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और आइए हम और आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, इसकी ईंटों के आप देख सकते हैं ये कितनी छोटी छोटी ईंटें हैं। ये किला सबसे ज़्यादा मजबूती का माना जाता है। अकबर ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि इससे बड़ा और अच्छा और मजबूत किला मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। आइए थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं। इसके बुर्ज आप ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दक्षिणमुखी बालाजी का एक मंदिर है जो 1700 साल पुराना बनाया गया था। और इस दुर्ग में आप इसे देख सकते हैं। 1805 में जब बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इसको जीता और जीतकर उसे मंगलवार को जीता था, इसलिए हनुमान जी का जो वार था, इसलिए इसका नाम बटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ रखा गया। और हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है इसके साथ में ही। ये अब किले का जो है, ये दूसरा गेट आ गया है और हम इसे दूसरे गेट को हम देखते हैं। ये भी दूसरा गेट उसी तरह बनाया गया है, ये दूसरा गेट भी उसी तरह बनाया गया है। ये देखिए, और इस किले में यहाँ पर देखिए, ये एक राजा का जैसे दरबार टाइप में है। अब हम फिल्मों में देखते हैं, जैसे उधर सामने राजा बैठता है और इधर जो है सैनिक, उधर जनाना पक्ष। ये जनाना पक्ष इतना ऊपर है कि कोई अगर ऊपर देखे तो उसे नीचे खड़े खड़े देखा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ऊपर रानियां खड़ी होकर पूरे जो चलता है यहाँ पर, वो सब कुछ देखती है। ठीक है, तो हम इसमें अब इसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अंदर जो चमचेड़े हैं और वो आ गई है। और हम थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे हम देखते हैं तो इधर हमें ऊपर की तरफ एक गोल चक्कर सा दिखाई देता है। यह मौर्य शासक का प्रतीक है और यह मौर्य शासक जब थे, उन्होंने यह अष्ट कमल बनाया था। इसमें एक शिलापीर है जिस पर यही मौर्य शासक का कमल लगाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको चित्रित किया गया है। इधर एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दी गई है। ऊपर काफ़ी अंधेरा है तो हम ऊपर नहीं जा सकते।
और ये देखिए इसके पास में ही यहाँ पर एक रानियाँ जो थी उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसकी राजा की जो थी रानियाँ, यह शिलालेख इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बीकानेर के एक शासक थे दलपत सिंह जी, जिनको अजमेर के शासक ने एक युद्ध में गिरफ्तार कर लिया था और वो वहाँ के युद्ध में मारे गए। उनकी जो रानियाँ थी, 6 रानियाँ थी उनकी, जो इस किले के अंदर सती हो गई थी और उन तमाम रानियों ने अपने आप को सती कर लिया था। वो 6 रानियों का यहाँ पर नाम लिखा गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जूम कीजिए, ये देखिए आपको यहाँ पर देखा जा सकता है ये। तो आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम किले के अंदर चलते हैं और किले के अंदर जाते समय हम कुछ अलग अलग चीज़ें देखेंगे। ये देखिए उधर आपको सामने एक जैन मंदिर दिख रहा होगा, सबसे पुराना जैन मंदिर है यहाँ पर। अब हम किले के ऊपर जा रहे हैं। किले के हम अब ऊपर आ गए हैं, देखिए ये अभी अभी आपको दिखाया गया था वो तीसरा गेट। ये किले में कुछ नीचे जाने के लिए पौड़ियाँ हैं जो अभी अभी आपको दिखाई थी, जहाँ पर अंधेरा था बहुत ज़्यादा, उनमें से ये एक है, पर ये आगे से बंद कर दी गई है किसी कारणवश। चलिए हम दूसरे में चलते हैं। किले के ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और इस किले में 52 बुर्ज हैं, ये देखिए किले से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। किले का नज़ारा देखने के बाद में हम एक और कमरे है जो नीचे की तरफ जाता है, इसे हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अंधेरा होने के कारण हम नीचे ज़्यादा नहीं जा सकते। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। और हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। यह एक नीचे जाने का रास्ता है, आपको ये वाला हम पूरा लगभग दिखा पाएंगे। ये अभी और नीचे जा रहे हैं, चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पर चमगादड़ का खतरा है, ऊपर आप देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। नीचे कुछ चमगादड़ हैं,
इसलिए हम वापस आ गए। अब हम वापस चलते हैं। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम थोड़ा और आगे चलते हैं। पानी की भी अच्छी अच्छी सुविधा लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर 50-50 फीट के बाद में एक पानी की सुविधा लगाई गई है। लोग यहाँ पर काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। आज सोमवार होने के कारण कुछ कम लोग आए हैं, लेकिन आए हैं। आपको अब हम मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो यहाँ पे प्रमुख हैं, तो आइए चलते हैं। यह बाबा रामदेव का मंदिर है जो आप इधर देख सकते हैं। आजा। इसी के पास में करणी माता मंदिर है जो हम आपको अभी दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। आज सोमवार है, दोपहर का दिन है, इसलिए अभी आपको सभी मंदिर बंद मिलेंगे उनके पट। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। कोई भी आप अच्छा काम करने चलोगे तो आपको कुछ ना कुछ कमेंट जरूर सुनने को मिलेंगे। ये देखिए करणी माता मंदिर, इसके पास में हाथ धोने के लिए यहाँ पर नलका लगाया गया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर हरियाली खूब फैलाई गई है अच्छी तरह से, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कीड़ी नगरा भी है जिस पर लोग चींटियों को खाना डालते हैं। यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कराने के लिए आए हुए हैं आज, आप देख सकते हैं इधर उधर। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इधर आप जैन मंदिर देख सकते हैं, हम आपको जैन मंदिर लेके चलते हैं। अब आप सामने जैन मंदिर देख सकते हैं, ये संगमरमर पत्थर से बनाया गया है और इसके बारे में कुछ खास गुप्त जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस संगमरमर के आप जैन मंदिर को देख सकते हैं, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर। इसके साथ में आप कुछ बड़ी बड़ी ईंटें देख सकते हैं, जिसका मतलब यह अभी अभी निर्माण किया गया है। और इसके साथ में छोटी छोटी ईंटें हैं, इसका मतलब यह पहले भी उपलब्ध था। और इधर आप जो जंजर अवस्था में था वो तीसरा गेट आप देख सकते हैं। काफी लोग आ रहे हैं वहां से। चलिए चलते हैं। यह जैन मंदिर 34 पेड़ियों के ऊपर बना हुआ है और इधर से बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है।
ये देखिए, उधर आपको सामने एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा होगा, उसके हम अलग से एक व्लॉग बनाएंगे। इधर एक राजवी पैलेस है और वो सबसे पुराना एक मंदिर है ठाकुर जी का, अंग्रेजों का ज़माने का मंदिर है। उधर शिव जी का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा तोड़ रखा है किले को, बिल्कुल भी इसका उपचार नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए कुछ बीच में स्टार्ट भी करवाया था, आगे कुछ लोग इसे देखने के लिए आए हुए हैं जिनसे हम आपकी थोड़ी देर में बात भी करवाएंगे। कहाँ से हो सर आप? टाउन से। टाउन से आइए, हम आपको इनका थोड़ा सा सुनाते हैं। नमस्कार कीजिए हमारे साथियों को। नमस्कार जी। हाँ जी, तो आप इस किले के बारे में क्या जानते हैं, हम पूछना चाहेंगे आपसे। बहुत बड़ा किला है और बढ़ने दिले और सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। जय हो। आगे हम कुछ और लोगों से अभी हम बात करेंगे। अभी अभी हमने एक किसी से बात की थी तो उन्होंने बहुत अच्छा ये सर 1984 में बनाया गया था और सर इसमें वैसे कुछ हरियाली है और सिंपल ही है बस इतना। आपको ये किला कैसा लगता है घूमने के लिए? और बस शानदार ही है, इतना वो मज़े वाली बात तो है नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। सो गाइस, आज हमने हमारा टूर कंप्लीट किया और बहुत मज़ा आया और बहुत से लोगों से बातचीत की और उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए। आप भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मुकुंद व्लॉग्स को। और मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो।